आई नो आप लोग इस चैनल को फ्री फायर अपडेट्स के अलावा फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स कंटेंट और फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स अपडेट के लिए फॉलो करते हैं, बट एक लंबे टाइम से मैं ज्यादा ई-स्पोर्ट्स वीडियोस नहीं बनाता जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री फायर इंडियन ई-स्पोर्ट्स के अंदर कुछ भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट जब भी इंटरनेशनल तौर पर कोई अपडेट या फिर चेंज आता है ऑफकोर्स मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज आज की वीडियो में होने वाली, मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिसके ऊपर आने वाले टाइम पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। चलिए आते स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं इस बारे में। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हमारे ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। देखिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, अगर हम लोग बात करेंगे एसटीएल टूर्नामेंट है। दूसरी साइड्स का जो प्राइस पहले वो है $60 मिलियन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तक का एक बहुत बड़ा प्राइस पूल के साथ कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर मल्टीपल टाइटल्स है जिसमें हमारा फ्री फायर भी एक टाइटल होने वाला है, और इसके अंदर गरीना फ्री फायर बहुत अच्छे से पुश कर रही है इसे, एंड मैं सुपर हैप्पी हूं चीज को लेकर के कि भाई थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स को जिस तरीके से फ्यूज करा जा रहा है हमारे ऑफिशियल सीडिंग के अंदर, मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूं। ये जब हमारा फ्री फायर इंडिया आ भी जाएगा उसके बाद भी हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएगा, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स फ्यूज होंगे जब ऑफिशियल के साथ तो प्लेयर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम इस टूर्नामेंट के अंदर होने वाला जो भी हमारा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2024 जीतेगा उसको डायरेक्टली स्लॉट मिलेगा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2024 खेलने का। आपको पता होगा कि भाई यहां पे इस बार का फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2024 क्यों जरूरी है, क्योंकि 5 साल के बाद साइकिल वही रिपीट होकर वही आ चुका है जहां ब्राजील में पहला फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2019 हुआ था और यहां पे आज 2024 का भी ब्राजील में ही होगा वर्ल्ड सीरीज, तो वो साइकिल वही रिपीट होकर के आ रहा है। और आपको पता है कि भाई इस बार का वर्ल्ड सीरीज सबसे बड़ा वर्ल्ड सीरीज होगा, ऑडियंस लैन भी आपको जोर शोर देखने को मिलेगा और सेम हमारे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 में भी आपको देखने को मिलेगा ऑडियंस लैन। इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल टीम्स क्वालिफाई होकर के आ चुकी है, जहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी टीम आपको यहां नजर आएगी। टीम फाल्कन होने वाली, यहां पे पी स्पोर्ट्स होने वाली है, BRU होने वाली है। आपको पता है कि ये टीम क्या मतलब क्या पोटेंशियल रखती है। इवोस डिवाइन हमारे पास ऑल गेमर है, ये हमारी EXP स्पोर्ट्स आपको पता होगा कुछ टाइम पहले स्टारवर्ट ई-स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से इनको हायर कर रहा था, और अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी इनको किसी चाइनीज की और गई है हमारी ऑल गेमर्स, ये ऑल गेमर्स ने इनको हायर कर लिया। ऑनिक हमारे साथ होने वाली है, इंडो स्टार GG's होने वाली है, RRQ का जो आपको पता होगा कितनी बड़ी टीम है, बार बार आती है, मल्टीपल टाइम्स आती है, इस बार भी हमारे साथ होने वाली है इंडोनेशिया से। टीम सॉलिड आई है इस बार, नहीं है नई टीम होने वाली है, मेरे को ज्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। माइनर्स GG होने वाली है, अभी देखिए प्लेयर्स डिसाइड नहीं, बट ऑफ कोर्स शीडिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। ट्विस्टेड माइंड्स आने वाली हमारे पास, एंड ये थाईलैंड की टीम होने वाली है। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे साइड रीटा ई-स्पोर्ट्स, अभी तक मैंने इनके गेम्स नहीं देखे, बट मल्टीपल कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, हर एक दूसरी जगह से, पाकिस्तान से टीम जा रही है। ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है इंडिया से टीम नहीं है, बट ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ आने वाले टाइम पे होगा। देखिए अभी बहुत कुछ जैसे ही फ्री फायर इंडिया आएगा बहुत कुछ आएगा, होप बना के रखिए। ये टूर्नामेंट मैं देखना चाहूंगा, मतलब अगर भाई ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसको कास्ट तो जोर-शोर करने की कोशिश करूंगा, पर भाई ये टूर्नामेंट बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इस बार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस बार का वर्ल्ड सीरीज पिछले 5 साल के वर्ल्ड सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख लोगे बार बार जितने भी हमारे वर्ल्ड सीरीज थे 2019 ऑडियंस लैन हुआ, 2020 कैंसिल हो गया, यहां पर आपको सामने चला है 2021-22 हमारा कोरोना वायरस पैंडेमिक इसकी वजह से ढंग से नहीं हो पाया, 2023 में कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, 2024 में प्रॉपर सीडिंग करके प्रॉपर रूट बना करके यहां पर गरीना इसको लेके आई है। एंड उससे पहले वर्ल्ड सीरीज से पहले अगर कोई एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जो वर्ल्ड सीरीज के लेवल का है तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी टीम्स हैं, उन सभी को एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस टूर्नामेंट, तो छोड़िए प्राइस पूल इतना बड़ा है कि वर्ल्ड सीरीज को टक्कर देगा, एंड भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि यहां जो टीम जीतेगी उसका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस वो नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। वर्ल्ड सीरीज में वही टीम्स फाड़ सकती है भाई जो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करके आएंगी। मुझे लगता है कि भाई ऐसे और भी टूर्नामेंट्स को गरीना फ्री फायर को अनाउंस करनी चाहिए रीजनल बेसिस पे। अगर हम लोग बात करेंगे बिग शॉट टू भाई यहाँ पे रियाद एंड सऊदी अरेबिया, भाई जिन्होंने यहाँ पे इस पूरे टूर्नामेंट को कंडक्ट किया, इसका फॉर्मेट भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमें पहले से नजर आ रहा है। पिछली बार भी गरीना फ्री फायर ने सेम फॉर्मेट रखा था, जहां पर अगर हम बात करेंगे 18 टीम्स खेलेंगी ग्रुप फॉर्मेट के अंदर, ग्रुप्स बनाएंगे, अभी ग्रुप्स बने भी नहीं है मेरे ख्याल से, ग्रुप्स अभी बने भी नहीं है, देखिए यहाँ पे ग्रुप्स बने नहीं है। इसके हिसाब से हमारे 3 दिन मैचेस होंगे मेरे ख्याल से, और 3 दिन मैचेस के अंदर टीम्स आगे निकल के आएंगी, और जो भी आगे जाएंगी 12 उनको 12 के अंदर हमारा खिलाया जाएगा। एक दिन हमारा पॉइंटर्स के अंदर क्या होगा, जो भी इस दिन की शीडिंग के हिसाब से जो भी यहां पे हमारे पॉइंट्स निकल के आएंगे वो हमारे ग्रैंड फाइनल के अंदर ऐड होकर के मिलेंगे आपको, और ग्रैंड फाइनल में आपको एक किक स्टार्ट या फिर हेड स्टार्ट मिलेगा बाकी सबसे पहले, एंड ग्रैंड फाइनल में जो भी जीतेगी वो वर्ल्ड सीरीज 2024 और साथ साथ प्राइस पूल लेके जाएगी। भाई देखो मैं बता रहा हूं भाई, मजाक सेट करके ई स्पोर्ट्स की दुनिया में फ्री फायर में बहुत कुछ हो रहा है, पर हम लोग पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमारी गेम अभी एब्सेंट है, एंड फ्री फायर इंडिया आएगी बहुत कुछ आएगा। मुझे लगता है इतना कुछ अगर हम लोग पीछे जा चुके हैं ना, मुझे लगता है वही चीज होने वाला है हमारे साथ, जैसी गेम आएगी
बहुत कुछ ई-स्पोर्ट्स में नजर आएगा। एंड मैं यही कहूंगा, ग्राइंडिंग बिल्कुल मिस मत करो। अगर कोई भी टूर्नामेंट आपको खेलने को मौका मिल रहा है तो आप लोग खेलिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स इस टाइम पे ट्राई करने कि आपके लिए टूर्नामेंट्स लेकर आए। प्राइस पूल मत देखिए, क्योंकि देखिए प्राइस पूल आपको बाद में मिलेगा ऑफकोर्स जब गेम आएगी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स आएंगे, बड़े बड़े टीओज आएंगे, आपको प्राइस पूल मिलेगा। बट अभी आपको थोड़ा फोकस करना है कहां कि भाई आप ई स्पोर्ट्स में बने रहे, ताकि आपकी रूट्स बने रहे। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई बाहर जाके बाद में निकालना दे। मेरा कुछ और मतलब नहीं है इस वीडियो को बना करके। इस वीडियो को बना के मेरा यही मतलब है कि आप लोगों को मैं एक सही मोटिवेशन दे सकूं, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर। मैं तो अभी रीजनल तौर पे घुसा ही नहीं हूँ, क्योंकि ब्राजील में इतना कुछ चल रहा है भाई, यहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड में इतना कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में कुछ और अलग चल रहा है। तक के लिए प्यार बनाए रखिए, एंड मैं आपके लिए कोशिश करूंगा ऐसे ई स्पोर्ट्स कॉन्टेंट लेकर आऊँ। और भाई देखो, सबसे बड़ी बात है ना, मैं ई स्पोर्ट्स कॉन्टेंट बना भी दूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ एनालाइज करके लेकर जाऊँ, पर देखने वाले बहुत कम लोग हैं। और फिर उससे मोटिवेशन गिरता है, चैनल की रीच गिरती है। तो समझिए, ये भी अपने रिस्क पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टिल देन बाय बाय, टाटा। वैसे तो मैंने ये वीडियो ओवर कर दी थी, पर आप लोगों की किस्मत अच्छी है। अभी भी मैं गेम में गया और गेम में जाने के बाद नोटिस करा कि ग्रीन फ्री फायर ने एक नया सर्वे दिया है। और देखो किस्मत कितनी अच्छी है आप लोगों की, ये सर्वे हमारे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2024 का होने वाला है, जहां पे ग्रीन फ्री फायर ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के। इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज की हाइप हमारे इंडिया में भी होने वाली है, और हो सकता है कि इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ सीडिंग हो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज। अभी देखो क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकते, जब तक गेम नहीं आती तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब तक गरीना फ्री फायर की साइड अनाउंसमेंट नहीं आता है। पर इस क्वेश्चन आंसर और इस सर्वे के क्वेश्चन से तो पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का जो इवेंट होने वाला है वो भी काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। इस बार गरीना फ्री फायर हमारे जो पहले इवेंट आते थे फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के, वैसे इवेंट देने वाले, पर उसके अंदर ज्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको लेजेंडरी बंडल्स भी इसमें गरीना फ्री फायर ऑफर करे, क्योंकि इस पूरे सर्वे के अंदर गरीना फ्री फायर ने जो हमारा रिसेंटली पैराडॉक्स का लेजेंडरी बंडल आया था, जो कि हमारा काफी तगड़ा बंडल था, उसी के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वर्ल्ड सीरीज में इसको ऐड करें ना करें तो कैसा लगेगा। और आपसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि वर्ल्ड सीरीज का आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है, एंड आपको वर्ल्ड सीरीज के बारे में पता कैसे चलता है, आप वर्ल्ड सीरीज के लिए कितने ज्यादा हाइप्ड अप रहते हैं, और साथ साथ आपको कौन सा फेवरेट प्लेयर होने वाला है। काफी सारे प्लेयर्स की फोटो दिखा रखी है, आप उनसे पूछ रहे कि आप जानते हो नहीं जानते उनको, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। और मुझे लगता है गरीना फ्री फायर इस बार काफी बड़ा इवेंट रखेगी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का। वैसे आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको यह भी बताया कि गरीना फ्री फायर शायद फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से पहले कुछ इन गेम भी बहुत बड़ा इवेंट रख सकती है, जो कि हमें 7th एनिवर्सरी के दौरान नजर आएगा। भाई देखो बहुत कुछ चल रहा है गेम के अराउंड, मैं इतना बता रहा हूँ कि इतनी सारी हलचल, इतने सारे जो मिसिंग पीसेस है ना, ये इधर उधर से जो निकल निकल के आ रहे हैं, कभी यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, कभी यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, कभी वेबसाइट बन रही है, कभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। भाई इससे इतना तो पता चल रहा है कि जैसे ही फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज या फिर फ्री फायर इंडिया आता है, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज आएगा, बहुत कुछ हमें गेम के अंदर नजर आने वाला है। काफी सारी चीजें गरीना फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले टाइम पे ऐड करेगी। अब यहाँ पे ऑफिशियली इस वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय और टाटा। जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे, 30 जन हिस्सा कर लेंगे। हाँ। और ये शेर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे।